नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन में एक भी शेयर होल्ड करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे से भाई सब छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही अच्छा था जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, उस पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं अलग अलग शेयर्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो वहां पर भी आप लोग चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो बात करते हैं हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि आरकॉम के बारे में। आज के दिन इस शेयर का जो करंट प्राइस है 2.25 रुपए पर यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 पैसे तक की बढ़त हम लोग मार्केट में देखने के लिए मिली है। आज की हम डे रेंज के बारे में बात करते हैं तो शेयर 2.20 रुपए से लेकर 2.25 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीवियसली क्लोज जो मार्केट था 2.20 रुपए पर था, और जैसा कि आप लोग बताया आज के दिन 5 पैसे तक की बढ़त रिलायंस कम्युनिकेशन में हम लोग को देखने के लिए मिली है। चलिए बात करते हैं इसके बात बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के प्राइस के बारे में, क्या नेक्स्ट टारगेट कंपनी में आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। तो जिस तरह से इस शेयर में आप लोग को एबीसीडी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके चलते इस शेयर में एक हम लोग को छोटा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाएगा अभी आने वाले टाइम में। हो सकता है शेयर आप लोग को 2 रुपए तक देखने के लिए मिल जाए, उसके बाद शेयर में आप लोग को बाउंस बैक की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे जाएगी और शेयर यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। और जो टारगेट रहेगा शेयर में वो रहेगा 2.50 रुपए का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3.20 रुपए का। 3.20 रुपए का शेयर जो हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग तक देखने के लिए मिल जाएगा 3.20 रुपए का प्राइस। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में भी आप लोग को डाउनफॉल तक का गिरावट देखने के लिए मिल जाएगी, और जो गिरावट रहेगी वो रहेगी 2 रुपए तक की। आई होप आप लोगों ने प्राइस टारगेट का प्राइस नोट कर लिए होंगे। और रिलायंस कम्युनिकेशन में मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप लोग शेयर में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें। रिलायंस कम्युनिकेशन पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर काफी पेनी स्टॉक है। और हम लोग बात करें तो अल्टामैक्स की, तो अप्रोक्स 800 रुपए के आसपास से ये शेयर आज के टाइम में हम लोग को 2 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो शेयर में आप लोग को इतनी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलने वाली दोबारा, फ्यूचर में 800 रुपए तक शेयर दोबारा नहीं जा सकता। आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई कि आप लोगों को